Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. We are starting our new chapter today, that is chapter number 21 of your SST books. The name of the chapter is Prejudice, Discrimination and Inequality. Now, before beginning the chapter, I want you to recall some things from the previous chapter. What is diversity? Now, diversity kya hai? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था डाइवर्सिटी आर द डिफरेंसेस वी ऑब्जर्व इन ईच अदर. डाइवर्सिटी वो है, वो वाले डिफरेंसेस हैं जो हम अपने आपस में ऑब्जर्व करते हैं. नाउ डाइवर्सिटी जो है वो लीड करती है डिस्क्रिमिनेशन पे. अब आप सोचोगे कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है. ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप सारे क्लासमेट्स हैं और आप में से एक, आप सभी को इंग्लिश आती है और एक पर्सन को इंग्लिश बोलनी थोड़ी सी नहीं आती है, तो आप लोग क्या करते हो, उसको टीज करना स्टार्ट कर देते हो, उसके ऊपर हंसना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि वो डिफरेंट है आपसे. आप लोगों को तो इंग्लिश आती है और उसको नहीं आती है, ये डिफरेंस हो गया. तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपने उसको टीज किया, आपने उसके साथ उसके ऊपर हंसना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आप उसके साथ क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो. समटाइम्स जो लोग डिफरेंट होते हैं, द पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड, उनको टीज किया जाता है, उनके ऊपर हंसा जाता है, एंड नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप, और उनको किसी भी कोई एक सर्टेन एक्टिविटी या ग्रुप का पार्ट नहीं बनाया जाता. फॉर एग्जाम्पल, अभी उसी बच्चे को आपने अपने साथ खिलाया नहीं, उसको किसी अपनी एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनाया, तो आप क्या कर रहे हो, उस पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो. तो जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस होते हैं, वो लीड करते हैं डिस्क्रिमिनेशन पे. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी. प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, जो हम पहले से ही किसी चीज के ऊपर अपनी जजमेंट दे देते हैं विदाउट, मतलब बीइंग एक्सपेरिमेंटेड अबाउट इट. हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने किसी चीज को, फैक्ट्स को एग्जामिन नहीं किया, और हमने अपना जजमेंट दे दिया कि ये तो है ही ऐसे, ये तो करते ही ऐसे हैं, ये तो लोअर क्लास है, ये तो ब्लैक पीपल हैं, या कुछ भी. हमने अपनी पहले से जजमेंट दे दी, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस. डिस्क्रिमिनेशन मैं अभी आपको बता चुकी हूँ. और इनइक्वालिटी का मतलब सभी इक्वल नहीं है, सभी को जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो इक्वली नहीं मिल रही हैं, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है. नाउ इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे प्रेजुडिस कॉजेज एंड इफेक्ट्स, प्रेजुडिस के कारण क्या है और उसकी वजह से होता क्या है, स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी क्या होती है, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे. Now, before doing that, I want you to indulge yourself in a warm-up activity on page number 180. अब इसमें क्या है, you can see two images here where the girl is helping her mother in cooking and the boy is playing football. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, लड़की तो क्या कर रही है, घर में मदर की हेल्प कर रही है खाना बनाने में, और लड़का क्या कर रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है. अब आपको क्या करना है, इन इमेजेस को देखना है और ये बताना है कि इन इमेजेस के थ्रू आपको कोई भेदभाव नजर आ रहा है. डू द इमेजेस पोर्ट्रे एनी बायसनेस, मतलब कोई भी बायसनेस आपको नजर आ रही है इसके अंदर, दैट्स यू हैव टू डू ऑन योर ओन, आप खुद से करेंगे, एंड देन विल डिस्कस इट इन ऑनलाइन क्लास. नाउ विल मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड प्रेजुडिस. प्रेजुडिस क्या होता है, बायस्ड प्री कंसीव्ड और अनफेवरेबल ओपिनियन, मतलब हम अपना एक जो ओपिनियन दे देते हैं, बायस्ड ओपिनियन, भेदभाव वाला ओपिनियन दे देते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, पहले से ही बना लेते हैं अबाउट समथिंग और समवन, किसी पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं, विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स. फैक्ट्स मतलब सच को जाने बिना जब हम क्या करते हैं, अपने पहले से ही जजमेंट पास कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस. सच एन ओपिनियन इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन, और ऐसे ओपिनियन का कोई रीजन नहीं होता है, ना ही कोई एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है. प्रेजुडिस क्रिएट्स डिसहार्मनी. क्या डिसहार्मनी क्रिएट करते हैं सोसाइटी के अंदर. डिसहार्मनी क्या होता है, डिसबैलेंस क्रिएट कर देना, मतलब कि अ लैक ऑफ अग्रीमेंट और हार्मनी, मतलब बैलेंस नहीं रहने देते ये सोसाइटी के अंदर, और ये क्या करते हैं, हैम्पर करते हैं सोसाइटी या कंट्री की प्रोग्रेस को. हैम्पर का मतलब अफेक्ट करते हैं बैडली कंट्री की प्रोग्रेस और ग्रोथ को. एज सिटीजन्स ऑफ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, वन शुड बी अवेयर ऑफ द कॉजेज ऑफ प्रेजुडिस. अब हमें पता है कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, अब हम उसका पार्ट है, हम उनके सिटीजन हैं इंडिया के, तो हमें अवेयर होना चाहिए कि प्रेजुडिस के ये जो जजमेंट हम पास कर देते हैं बिना कुछ जाने पहचाने, तो इसके कॉजेस क्या है, कारण क्या है इनके पीछे.
तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. द बेसिक कॉजेज ऑफ प्रिजुडिस आर इग्नोरेंस. जब लोग इग्नोर करते हैं ना चीज़ों को, तब ये चीज़ें होती हैं. वैन पीपल फॉर्म एन ओपिनियन बिफोर हैविंग द एविडेंस ऑफ फॉर इट्स ट्रूथ. मतलब जब लोग अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं, एक सोच बना लेते हैं किसी चीज़ को लेके, जिसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता सच्चाई का, तो बस उनका जो ओपिनियन बन गया बन गया. एंड लैक ऑफ सेंसिटिविटी, जब हम किसी और की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते, सेंसिटिव नहीं होते, तब भी प्रिजुडिस होने का कारण हो सकता है. प्रिजुडिस कैन ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ सोशल बायसनेस. मतलब जो सोसाइटी के अंदर भेदभाव चलता आ रहा है, उसका भी रिजल्ट हो सकता है प्रिजुडिस. इट इज़ नॉट समथिंग यूनिवर्सल. ये यूनिवर्सल नहीं है, समथिंग वी हैव इनहेरिटेड और आर बॉर्न विद. ऐसा भी नहीं है कि हमने अपने दादा परदादाओं से लिया या इस चीज़ के साथ हम पैदा हुए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है. समटाइम्स इवन फैमिली मेम्बर्स कैन क्रिएट प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डॉटर्स एंड सन्स. आपने अपनी फैमिली में भी देखा होगा कि कैसे जजमेंट पास कर दिए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है डॉटर्स एंड सन्स के बीच में. अपनी फैमिली के अंदर भी आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी. नाउ रिलीजियस डाइवर्सिटी कैन गिव राइज टू प्रिजुडिस. अब हमने अभी तक तो पढ़ा इग्नोरेंस, लैक ऑफ सेंसिटिविटी, सोशल बायसनेस, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डॉटर्स एंड सन्स इन देयर ओन फैमिली. नेक्स्ट इज रिलीजियस डाइवर्सिटी. अब कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है जो राइज करती है प्रिजुडिस को. समटाइम्स डिफरेंसेस विद इन द सेम रिलीजन कैन गिव राइज टू प्रिजुडिस. मतलब ज़रूरी नहीं कि हिंदू मुस्लिम में ही प्रिजुडिस हो सकता है, कई कई बार तो सेम रिलीजन वाले भी डिफरेंसेस क्या होते हैं, राइज कर सकते हैं प्रिजुडिस को. Differences between the majority and minority communities may result in prejudice. Caste basis पे जो हमने minority majority बना रखी है, उन basis पे भी क्या हो सकता है, prejudice हो सकता है. Social distance, the gap between different groups of society, bans on entry of religious places and other types of discrimination also lead to prejudice. अब आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि जो lower class के people होते थे, उनको एंट्री अलाउड नहीं होती थी रिलीजियस प्लेसेस पे. तो वो क्या था, वो एक डिस्क्रिमिनेशन था, एक प्रिजुडिस था, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो प्रिजुडिस की तरफ लीड कर रहा था. नाउ अब हमें कारण तो पता लग गए हैं कि प्रिजुडिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इग्नोरेंस, लैक ऑफ सेंसिटिविटी, सोशल बायसनेस, रिलीजियस डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, सोशल डिस्टेंस. नाउ वी अंडरस्टैंड अफेक्ट्स ऑफ प्रिजुडिस. कैसे प्रिजुडिस जो है अफेक्ट करती है हमारी सोसाइटी को, कैसे वो हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए. नाउ प्रिजुडिस लीड्स टू कन्फ्लिक्ट. ये कन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है, लड़ाई झगड़े पैदा कर सकती है अमंग कम्युनिटीज, जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री का पीस है वो खतरे में आ सकता है, बोथ विद इन अ नेशन एंड अमंग नेशन. सिर्फ हमारी कंट्री का ही नहीं, विद इन द नेशंस भी. मतलब इंडिया का पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट है, तो वो किस वजह से, ये प्रिजुडिस की वजह से ही है. प्रिजुडिस कैन स्ट्रेंथन मिसट्रस्ट. ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं, उनको भी ये क्या कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है. जैसे कि मिसट्रस्ट, लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, एक दूसरे को सस्पिशन मतलब डाउट से देखते हैं, और एक दूसरे के खिलाफ कड़वाहट है. उन चीज़ों को ये प्रिजुडिस क्या करेगी, स्ट्रेंथन करेगी, बढ़ावा देगी. Prejudice can lead to racial arrogance. This widens the gap among different groups and races in the world. अब different caste के लोग एक साथ अभी रह रहे हैं इंडिया के अंदर, बट क्या होगा अगर हम उनके खिलाफ एक जजमेंट बना लेंगे, तो वो किसको बढ़ावा देगी, racial arrogance को. This widens the gap, जिसकी वजह से जो different races हैं पूरे के पूरे world के अंदर, उनके अंदर क्या आ जाएगी, एक बहुत बड़ा gap आ जाएगा, एक बहुत बड़ा difference आ जाएगा. प्रिजुडिस लीड्स टू डिसयूनिटी. जो प्रिजुडिस है वो डिसयूनिटी की तरफ भी लीड करती है. लोग क्या होंगे, अभी तो लोग सब इकट्ठे हैं, अगर ये प्रिजुडिस ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा, लोग क्या हो जाएंगे, डिसयूनाइट हो जाएंगे, और जो बैलेंस है वो सारा खराब हो जाएगा सोसाइटी का, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा वॉर हो जाएंगे और लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे. As a stumbling block for unity and integration, prejudice can retard the progress of a nation. अब क्या है, प्रिजुडिस क्या कर सकता है, वो एक कंट्री की जो यूनिटी है, इंटीग्रेशन है, उसको क्या करेगा, स्टम्बल कर देगा, मतलब उसको गिराने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नेशन का
प्रोग्रेस होता है वो रिटार्ड हो जाएगा, मतलब वो डिले हो जाएगी, उसकी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस नेशन की डिलेड हो जाएगी। तो ये तो थे अफेक्ट्स कि कैसे कैसे प्रिजुडिस जो है हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि हम कैसे प्रिजुडिस को रिड्यूस कर सकते हैं, स्टेप्स नेसेसरी टू रिड्यूस प्रिजुडिस, कैसे एक इंडिविजुअल या गवर्नमेंट क्या कर सकती है इनको रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, न्यू लॉज बना सकती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, अफेक्टिवली उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है एग्जिस्टिंग लॉज को अगेंस्ट द एट्रोसिटीज कमिटेड टूवर्ड द बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टूवर्ड बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उनको उनको कंप्लीट करने में हेल्प करेंगी अगर वो लॉज को स्ट्रिक्टर करेंगे और अभी जो इम्प्लीमेंटेड लॉज हैं एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्प्रेड एजुकेशन, एजुकेशन को स्प्रेड करेंगे अमंग द मासेस, मतलब जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतने ही ज़्यादा वो जजमेंट नहीं, जजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप खुद एजुकेटेड हैं आपको पता है कि ये चीज़ गलत है तो आप चीज़ों उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो एजुकेशन जो है वो हेल्प करती है आपको एक ओपन माइंडेडनेस बनाने में और एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने में। नाउ यूज़ द मीडिया टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ गुडविल एंड म्यूचुअल एप्रिसिएशन। हम मीडिया को एज यूज़ कर सकते हैं एक एनवायरनमेंट बनाने में कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाए और एक आपस में एक म्यूचुअल एप्रिसिएशन, जब हम एक दूसरे को एप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, प्रमोट करेंगे हम इस चीज़ से टॉलरेंस और हारमोनी को, सोसाइटी के अंदर पेशेंस आएगी और एक बैलेंस आ जाएगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं, हम थ्रू मीडिया कर सकते हैं। आजकल टीवी, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट सबके पास है, अगर हम उनको अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी प्रिजुडिस टाइप्स। नाउ टेक स्पेशल स्टेप्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस इन ऑर्डर टू रिमूव मिसट्रस्ट एंड रीबिल्ड द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। नाउ हम ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम जो बैकवर्ड क्लासेस हैं और जो इनकी अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, इनको ऊपर की ओर ले जाया जा सकता है। कैसे ले जाया जा सकता है, इनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें करके, इनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके किया जा सकता है ये, ताकि हम इनके बीच में जो मिसट्रस्ट है वो रिमूव कर सके और रीबिल्ड कर सके फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी की, उनको भी लगे कि वो एक कंट्री का पार्ट है और उनकी कंट्री जो है उनके बारे में सोच रही है। नाउ कंडीशनिंग इज वन ऑफ द रीजंस दैट प्रमोट्स प्रिजुडिस। अब कंडीशनिंग होता क्या है कि ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट कर लेना जो हमारे कल्चर से हमें मिल रहा है, मतलब हमारा जो माइंड है वो वैसे ही कंडीशन कर दिया जाता है शुरू से लेकर एंड तक कि ये चीज़ तो ऐसे ही होती है, ऐसे दिमाग को कंडीशन कर देना, उसको बोलते हैं कंडीशनिंग। अब डी कंडीशनिंग करके हम क्या कर सकते हैं, शुड बी अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बाय एम्प्लॉइंग पॉपुलर पब्लिक फिगर्स सच एज स्पॉट पर्सन टू एनकरेज एंड डेवलप एन ओपन माइंडेड अप्रोच। मतलब लोगों की डी कंडीशनिंग करी जानी चाहिए। कैसे करी जानी चाहिए, हमें जो पॉपुलर पब्लिक फिगर्स होते हैं जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिनको हम बहुत फॉलो करते हैं, वो क्या करें, वो एनकरेज करें और डेवलप करें एक ओपन माइंडेड, एक खुले दिमाग की जो अप्रोच है उसको क्या करें, एनकरेज करें, चैलेंज करें एज ओल्ड बिलीव्स को और एटीट्यूडिनल चेंजेस लेकर आए। अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द पल्स पोलियो ड्राइव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर विच द एडवर्टीजमेंट फीचर रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज सच एज सचिन तेंदुलकर एंड अमिताभ बच्चन। वेन दीज पर्सनैलिटी पॉपुलर पर्सनैलिटीज अर्ज्ड इनोक्यूलेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो पीपल टर्न्ड अप इन लार्ज नंबर्स। अब इससे क्या किया हमने, हम इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो पल्स पोलियो ड्राइव थी, आपने सुना होगा पोलियो की वैक्सीनेशन लगती है छोटे बच्चों को ताकि उनको पोलियो की जो डिसीज है वो ना हो जाए। तो पल्स पोलियो एक वैक्सीनेशन ड्राइव चली थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई थी, जिसकी एडवर्टीजमेंट के पार्ट्स कौन थे, रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज जिनको हम सब जानते हैं अमिताभ बच्चन एंड सचिन तेंदुलकर, उन्होंने क्या किया था, एडवर्टाइज किया था। और मतलब जब ऐसी पर्सनालिटीज़, ऐसी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ आपको कहती हैं कि आपको अपने बच्चे के लिए इनोक्यूलेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए अगेंस्ट पोलियो, तो पीपल आते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें करके हम
प्रिजुडिस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई हैव समथिंग टू डू फॉर योर ऑनलाइन क्लास दैट यू हैव टू डू हियर. प्लीज कैन यू थिंक ऑफ थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजुडिस बिटवीन डॉटर्स एंड सन्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड इन योर फैमिली. अब आपको ऐसे तीन एग्जाम्पल्स ढूंढ के आने हैं जहां आपको लगाओ कि डॉटर्स और सन्स के बीच में प्रिजुडिस क्रिएट हुआ है आपकी फैमिली के अंदर. तो आप ये काम करेंगे और इसको हम अपनी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे. नाउ दैट्स इट फॉर टुडे. प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली एंड हैव अ नाइस डे.